भैया डिटेल में अच्छे से बता दीजिए, मैं उसको ठंडे दिमाग से मैं और मेरी टीम सुन लेगी, और सुनने के बावजूद फिर हम आपको आराम से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद आपकी एक पूरी यात्रा हम प्लान करेंगे कैसे आपको हमारे साथ आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप जो है अपने बिजनेस में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा पाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सिलदस्तक। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, फूले की एक लाइन आती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिन हम शूद्र कहलाएं। आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जाति व्यवस्था के हिसाब से, और इसी वजह से आप बिजनेस, एजुकेशन, इकोनॉमी में गायब रहे। मेरे साथ कथेरिया साहब हैं जो बिजनेस कोच हैं, इन्होंने IIM से भी पढ़ाई की है, बिजनेस मैनेजमेंट किया है और कई बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी भी चलाते हैं, और इनकी कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है वो बिजनेस में आए। तो ये बिजनेस की बारीकियां भी बताना चाहते हैं आपको। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि इनसे हर वीकेंड पर या दो वीकेंड पर बात की जाए, और कहाँ कमी रह जाती है और क्या करना होगा बहुजनों को बिजनेस में सफल होने के लिए, क्योंकि अब आरक्षण भी खत्म हो रहा है, नौकरियाँ भी खत्म हो रही है, सरकारी महकमे भी खत्म हो रहे हैं, तो अब तो बिजनेस ही एक सहारा है। कथिरिया साहब, आपका स्वागत है। पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए और क्या रोड मैप है वो बताइए। अच्छा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मुझको लेने के लिए। साथियों, मेरा नाम सुनील कथिरिया है, मैं मूल निवासी बहुजन बिजनेस कोच के रूप में अपने आप को आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, MBA सेल्स एंड मार्केटिंग, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से सर्टिफाइड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट हूँ। अभी करंटली मैं बहुत सारी कंपनीज को लीड कर रहा हूँ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हूँ और उनका चीफ कंसल्टेंट भी हूँ। जब मैं इन कंपनीज में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ जो बड़े इनके ओनर्स हैं वो एक खास समाज को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन कंपनी को उठाने वाले जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो सारे हमारे अपने बहुजन लोग हैं, और उनमें भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको एक मौके की, एक हिम्मत की, एक सहारे की और एक दिशा की ज़रूरत है। तो मेरे मन में ये विचार बहुत समय से कुरेद रहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँ जिसके चलते हमारे में ये हिम्मत आ सके कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म को तलाश रहा था। कोरोना के पीरियड में ये समझ में आया कि सोशल मीडिया के थ्रू एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए शंभू सर को मैंने याद किया कि शंभू सर इतने सारे चीज़ों को उठा रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, बिजनेस के डोमेन में भी अगर हम थोड़े से प्रयास करें और अपने जितने भी लोग हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाएँ कि आपको जहाँ पर भी हैं आप, वहाँ पर एक बिजनेस कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड की जा सकती है, तो एक हिम्मत आ जाएगी हमारे साथियों को और हम शुरुआत कर पाएंगे बिजनेस के बारे में, जो कि अभी मानसिकता हमारे पास नहीं है। बिजनेस के लिए जब बात करते हैं तो लोग कैपिटल, सब लोग कहते हैं कैपिटल बहुत ज़्यादा जरूरी है या सोच बहुत जरूरी है? मैं ऐसी बहुत सारी फिल्में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो बहुत जगह अवेलेबल है, चाहे वो फिल्म है रॉकेट सिंह, और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर पैसा शुरू में होना जरूरी नहीं है, माइंडसेट होना जरूरी है। माइंडसेट जब आपके पास में होगा और व्यापार के माइंडसेट से आप जब अपने माइंडली जब तैयार होंगे तो आप रास्ता खोज लेंगे, पैसा अपने आप रास्ता बना लेगा, आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो पैसा शुरू में जरूरी नहीं है, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ कमी देख रहे हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे शुरुआत हो? एक तो पहली बात, इस घबराहट को अपने दिल से निकाल दें कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ जेनेटिक भी होता है और हमारा जो परिवेश है जिसमें हम पले हैं और बड़े हैं और आगे बढ़े हैं, तो ये कभी थॉट आया ही नहीं कि हम बिजनेस कर सकते हैं। तो हमेशा यही थॉट परिवार में देखते रहे हैं कि किसी की नौकरी कर लो, किसी की मजदूरी कर लो, किसी की गुलामी कर लो, सरकारी नौकरी पकड़ लो, बस यहीं तक हमारे समाज की थॉट बनकर रह गई है। बिजनेस की थॉट से बड़ी घबराहट सी महसूस हो जाती है, कोई सोचते ही नहीं है। तो मैं इस मिशन पे सब निकला हूँ कि एक तो ये थॉट पहले दिमाग में क्रिएट हो सके कि बिजनेस किया जा सकता है। बहुत से लाइफ स्टोरीज अवेलेबल हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी बिजनेस कर सके हैं और कर सकते हैं। तो माइंडसेट आना बहुत जरूरी है। उस माइंडसेट के लिए मैं चाह रहा हूँ कि रेगुलर हम इंफॉर्मेशन बताएं, लगातार हम संवाद करें उन साथियों के साथ में, और उनके माइंडसेट में जो बैरियर्स फंसे हुए हैं उनको निकाल सकें, और ऐसा जब होगा तो दिमाग खुलेगा और अपने आसपास ही आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कैसे करना है वो सपोर्ट हम दे पाएंगे। क्या बेसिक एजुकेशन जरूरी है या बिना पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस कर सकते हैं? सिर्फ नोट गिनना आना चाहिए, जैसे लाला नोट गिनते हैं, आपको सिर्फ पैसे गिनना आना चाहिए। इतना भी अगर आपको आता है तो आप ये जान के चलिए ईश्वर ने सबको एक साथ बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है, सबके हाथ पांव हैं, सबकी बुद्धि है, सबका दिमाग चलता है, हम हर कोई सांस लेते हैं, सिर्फ सोच को थोड़ा सा ठीक करना है और थोड़ी सी एक सहयोग की जरूरत होती है, दैट्स इट। लेकिन लोग कैपिटल एक बड़ा इशू है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ, उनको
इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है कहीं से, बैंकिंग सिस्टम हो या उनका एक सोशल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है, तो इसको भी पार पाया जा सकता है। और शंभू जी, ये स्टेप बाय स्टेप करने वाली विद्या है। हम सोचते हैं कि हम एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करें, एक बहुत बड़ी कैपिटल शुरू करें, वो एक गलत सोच है, क्योंकि आप सीधा 10 मंजिल छलांग लगाएंगे तो आपको चांसेस है कि आपको इंजरी बहुत ज़्यादा होगी। हम एक सीढ़ी से कूदें तो हम कूद पाएंगे, हमें मालूम है कि एक सीढ़ी से कूदना क्या होता है। हम पहले एक रुपया कमाना सीखेंगे, एक रुपया कमाते कैसे हैं, फिर दो रुपया कमाते कैसे, बस यहीं से शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब उस लेवल पे आ जाएंगे कि गवर्नमेंट की हेल्प आप लेना चाहें तो आपको बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। मतलब समोसा बेचना भी एक बिजनेस हो सकता है, समोसा बेचने से भी शुरू कर सकते हैं। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो समोसा वाला तो बहुत कुछ बन सकता है। तो कहने की भावार्थ यह है कि ऑलरेडी हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम कोई ना कोई ट्रांजेक्शन आपस में करते हैं, ऑलरेडी हमारे बिहेवियर में बिजनेस है, सिर्फ एक मानसिकता इतनी जोर से थोप दी गई हमारे ऊपर कि हम डर के बैठ गए। ये कास्ट स्ट्रक्चर इशू है, हम नहीं लिख सकते हैं कि फलाना, जैसे यहाँ लोग वैष्णव ढाबा, ब्राह्मण शॉप ऐसे लिख के चलाते हैं। ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ एक प्रिविलेज नहीं है, तो क्या हमें जरूरत नहीं है लिखने की? हम अपने तरीके से कुछ नॉर्मल नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा, लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर शॉप लिख सकते हैं, तो ये करना चाहिए शुरुआत में थोड़ा, मतलब चूंकि जो सोशल स्ट्रक्चर उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। यहाँ थोड़ी होशियारी की जरूरत है और उसके साथ में एक मानसिकता की भी जरूरत है। देखिए, अगर बाबा रामदेव से भी सामान खरीद रहे हैं तो वो भी एक ऐसी एस टी ओ बी सी को बिलोंग उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका आज ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि सब लोग उनको नमस्कार करते हैं। इसी तरह एक नाई भी है, अगर वो बाल भी काट रहा है तो वो 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया कमा रहा है। तो कोई भी आप काम करेंगे, शुरू में आपको ये मानसिकता से हटना पड़ेगा कि कोई आपको आपकी कास्ट की वजह से रोक रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम है, और हर किसी को चाहिए ना, आपकी प्रोडक्ट सर्विस तो चाहिए चाहिए, जैसे ही प्रोडक्ट सर्विस को आप थोड़ा सा पॉलिश करके प्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो आपकी सर्विसेज सामने वाले को समझ में आती है, और सर्विस समझ में आती है तो उसकी पैसे की वैल्यू एक्सचेंज होती है, और धीरे धीरे आपका ब्रांड इतना बड़ा होता है। और एक बार जब ब्रांड बड़ा हो जाता है तो बिजनेस एक ऐसा फोरम है जहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं होता, हर किसी को पैसा चाहिए। अगर आपको मेरे साथ पैसा मिलता होगा तो आपकी मेरी खूब दोस्ती है, जैसे दो शराबियों की आपस में दोस्ती होती है, दो सिगरेट वालों की दोस्ती होती है, ऐसे दो व्यापारी की दोस्ती होती है। बस पैसा एक ऐसा चीज़ है, जब वो आने लगता है बिजनेस में, ट्रांजेक्शन शुरू आता है, तो वहाँ पर कास्टिज्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। उस लेवल की जर्नी होता है, समय लगेगा। जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो अगर आपसे एडवाइस लेना चाहें तो कैसे संपर्क करें? इसके लिए मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं jaybhim@mbbc.in, और मेरा एक मोबाइल नंबर है जो मैं आपके सामने अभी देता हूँ, 9991183028। रिपीट कर दीजिए, 9991183028। इस नंबर पे आपने फोन नहीं करना, पहले आपने वॉइस मैसेज भेजना है अपना व्हाट्सएप के थ्रू, और बहुत डिटेल में वॉइस मैसेज भेजिए, मैं सर यहाँ रह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या मैं करके निराश हो चुका हूँ, जो भी है डिटेल में अच्छे से बता दीजिए, मैं उसको ठंडे दिमाग से मैं और मेरी टीम सुन लेगी, और सुनने के बावजूद फिर हम आपको आराम से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद आपकी एक पूरी यात्रा हम प्लान करेंगे कैसे आपको हमारे साथ आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, एंड विल मेक श्योर कि आप जो है अपने बिजनेस में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा पाएं। तो बस इतना ही करना है, एक पहले स्टेप से दूसरे पर जाना है, और 100 गिनती तो पहुंची जाएंगे धीरे धीरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सुनील कथिरिया साहब हैं, और मैंने इनसे बातचीत की, मुझे सेटिस्फैक्टरी लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस देश के, दुनिया भर में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जानना चाहिए। हम लोग भी आज इसको छोटा रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुजनों के लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभु सर, हम अक्सर आपको सुनते रहते हैं, आप समाज में इतना सारा काम कर रहे हैं, और इस मुहिम में आपने मुझे मौका दिया, मैं उसके आपके लिए दिल से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम हजारों अपने साथियों को, जबकि मेरे जीवन में खुद लक्ष्य है कि कम से कम 10 लाख साथियों को मैंने लखपति बना के छोड़ना है, और आपके साथ ऐसा जरूर कर पाएंगे। कैमरा नासीस के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।